तो सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। कभी यह बातें अच्छी होती हैं तो कभी काफ़ी ज़्यादा बुरी होती हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जो कि हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर में दो लड़कों को एक शिवलिंग के ऊपर पैर रख कर दिखाया गया है, और एक व्यक्ति ने इस फोटो को ट्वीट कर यूपी पुलिस को टैग किया है और लिखा है कि यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर स्थित कोरजा गांव की है। हिंदुओं की भावनाओं को SC ST एक्ट को ढाल बनाकर कुचला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए दो लोगों द्वारा भगवान शिव का अपमान करने का मामला सामने आया है। यदुनंदन पांडे नामक व्यक्ति ने एक फोटो ट्वीट कर यूपी पुलिस को टैग किया और लिखा है कि यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर स्थित कोरजा गांव की है। हिंदुओं की भावनाओं को SC ST एक्ट का ढाल बनाकर कुचला जा रहा है। अभिषेक आज़ाद नामक व्यक्ति ने भी इस फोटो को ट्वीट कर CM योगी आदित्यनाथ को टैग किया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दो लोग शिवलिंग पर पाँव रखकर खड़े हैं। लोगों ने पुलिस से पूछा है कि उक्त मामले में क्या कार्रवाई की गई है। अम्बेडकर नगर पुलिस ने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि जैतपुर थाने ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी तक दोनों आरोपितों की पहचान सामने नहीं आई है, इसलिए फिलहाल व्यक्तिगत ट्वीट्स में बताई जा रही पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती है। यह तस्वीर कोरछा गाँव अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश की है। हिंदुओं की भावनाओं को SC ST एक्ट को ढाल बनाकर कुचला जा रहा है। प्रकरण में थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें हिंदू प्रतीक चिन्हों और देवी देवताओं का अपमान किया गया है। किस दोनों पहले इरशाद नामक व्यक्ति द्वारा शिवलिंग पर पेशाब करने की बात सामने आई थी। ताज़ा मामले में पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, जहां आए दिन सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति चंद मिनटों में प्रसिद्ध हो जाता है, तो कुछ उग्र लोग इसे दंगे भड़काने का जरिया समझ रहे हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया हमारी खुशी और हमारे टैलेंट को जाहिर करने की एक चीज़ है। इसे इस तरीके के उग्र और भड़काऊ तरीकों के लिए इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।